सो गाइज, क्या आपका बजट 10,000 रुपये? एंड आपको 10,000 के बजट के अंदर एक बेस्ट डिवाइस चाहिए, मतलब जो आपकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके। आपके लिए स्पेक्स बेस्ट होने चाहिए, कैमरा बेटर होना चाहिए एंड बिल्ड क्वालिटी भी A1 होनी चाहिए। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे डिवाइसेस के बारे में जो कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आपको जो डिवाइस मिलता है नंबर 1 पर, वो मिलता है मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटो का G32। अब बेसिकली इसके स्पेक्स काफी कमाल के। सबसे पहले प्राइस की बात करें तो ये आपको इजिली 10,500 रुपये में इसका बेस वेरियंट आता है ना, जो 4GB 64GB के साथ आता है, वो आपको इजिली 10,500 का उसकी जो बेसिक प्राइस है वो मिलती है। साथ में आपको कार डिस्काउंट लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा, और यदि आप किसी सेल में परचेज करोगे तो और भी अच्छी डील आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देन यहाँ पर इसके स्पेक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक IPS LCD पैनल है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। प्रोसेसर के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी कैपेबल प्रोसेसर है। देन यहाँ पर यदि हम कैमरा सेटअप की बात करें तो जो मेन कैमरा है वो 50 MP का, 8 MP का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 MP का आपको यहाँ पर डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अब यहाँ पर यदि हम वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करें लिस्ट के नंबर 2 पर आने वाले डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर जो डिवाइस आता है वो है सैमसंग की तरफ से आने वाला सैमसंग गैलेक्सी F30। तो अब सबसे पहले इसको स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं, देन इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। यहाँ पर यदि हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 6000 mAh की काफी बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको 15W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की यहाँ पर यदि हम बात करें ना, तो यहाँ पर आपको Exynos 850 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी डिसेंट सा प्रोसेसर है। देन यहाँ पर यदि हम कैमरा सेटअप की बात करें ना, तो यहाँ पर जो मेन कैमरा है वो आपको 50 MP का मिल जाता है। साथ में यदि फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 MP का कैमरा मिलता है, जो फ्रंट में मिलता है, वो भी काफी अच्छे रिजल्ट आपको निकाल के देने वाला है। सो गाइस, यदि अब हम बात करें लिस्ट में नंबर 3 पर आने वाले डिवाइस के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो डिवाइस देखने को मिलता है वो एक 12,000 रुपए का डिवाइस है। करंटली उसकी जो बेसिक प्राइस है वो 12,000 रुपए है, और इसके पीछे रीजन भी है कि यहाँ पर आपको जो रेम है वो 4GB नहीं बल्कि 6GB वाला वेरियंट आपको मिलता है 12,000 का, एंड साथ में जो स्पेक्स है वो भी काफी कमाल के हैं। तो इस फोन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नंबर 3 पर पोको की तरफ से आने वाला पोको का M4 Pro 4G फोन। अब बेसिकली इसके स्पेक्स काफी कमाल के हैं, एक एक करके बात करते हैं सभी स्पेक्स के बारे में। यहाँ पर यदि हम डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है विद 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। बैटरी के यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है विद 33W के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। प्रोसेसर की यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको MediaTek की तरफ से आने वाला Helio G96 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी केपेबल प्रोसेसर है, मतलब यदि आप गेमिंग वगैरह भी करना चाहते हैं तो काफी इजीली हैंडल कर लेगा। यहाँ पर यदि हम कैमरा सेंसर की बात करें तो मेन कैमरा सेंसर आपको 64 MP का मिल जाता है, साथ ही में आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। एंड स्पेक्स सारे अच्छे हैं, 6GB का वेरियंट है, तो भाई 12,000 में मेरे हिसाब से काफी अच्छी डील होने वाली है। सो गाइस, फाइनली यदि हम अब बात करें गेमिंग डिवाइस के बारे में, तो भाई काफी सारे बंदे ना ये वीडियो सिर्फ इसीलिए देख रहे थे कि एक गेमिंग डिवाइस बता 10-12 हजार के अंदर। तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है पोको की तरफ से आने वाला पोको का F1। अब आप में से काफी सारे बंदे सोचेंगे भाई ये तो काफी पुराना डिवाइस है। हाँ मानता हूँ ये काफी पुराना डिवाइस है, एंड अमेजोन पर अभी करंटली आपको 11-12 हजार का मिल जाता है, एंड यदि आप इसे रिफर्बिश्ड परचेज करेंगे तो 8-9 हजार का मिल जाता है। बट सबसे बेस्ट बात बताऊँ ना, यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस बीस्ट लेवल की मिलती है, मतलब करंटली आप यदि 15-17 का भी कोई नया डिवाइस परचेज करोगे ना, उसमें भी ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाली। यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर, जो कि एक बीस्ट प्रोसेसर है। एंड यदि लिटरली बात करें इसके बाकी स्पेक्स के बारे में, तो वो कुछ अच्छे नहीं मिलते, मतलब कैमरा वगैरह यदि आपको अच्छा नहीं चाहिए, आपको बाकी स्पेक्स अच्छे नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक ठीक ठाक सी डिस्प्ले चाहिए, साथ में एक बीस्ट परफॉर्मेंस वाला आपको प्रोसेसर चाहिए, तो भाई ये फोन आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। एंड इसके अलावा यदि बात करें दूसरे डिवाइस की, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है पोको का M4 Pro 5G डिवाइस। 5G वाला जो वेरियंट आता है ना, उसमें आपको डायमेंसिटी 810 मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा खासा प्रोसेसर है, आप उसमें काफी अच्छी खासी गेमिंग कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर यदि हम फाइनली यदि हम बात करें हमारी लिस्ट के नंबर 5 पे आने वाले डिवाइस के बारे में, जो कि एक 5G डिवाइस होने वाला है, तो यहाँ पर नंबर 5 पे आपको देखने को मिलता है लावा की तरफ से आने वाला लावा का ब्लेज 5G। एंड बाकी स्पेक्स ठीक ठाक से हैं, ज्यादा कुछ खास से भी नहीं है। एंड बाकी यदि बात करें कैमरा वगैरह की, डिस्प्ले की, कलर वगैरह की, तो डिस्प्ले के तो वो काफी डिसेंट से हैं, उनमें कोई आप इश्यू फेस नहीं करना पड़ेगा। सभी की जो लिंक है ना, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप जाके परचेज कर सकते हैं, जिससे भाई को भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि भाई एफिलिएट लिंक है तो थोड़ा सपोर्ट तो मिलेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो?